इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों में 9 दिसंबर को हुई इस हिंसक झड़प में भारत ने चीन के करीबन 300 से ज्यादा सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। इस घटना में चीन के 20 सैनिक घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बाद में दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत हुई। तवांग सेक्टर में भारत चीन झड़प में देश के भी कई सैनिक घायल हो गए। करीब 6 सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी ले जाया गया। तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट झड़प की घटना को लेकर सोमवार को कहा था कि सरकार को इस मामले पर संसद में चर्चा के माध्यम से देश को विश्वास में लेने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की सुरक्षा पर एकजुट लेकिन सरकार को ईमानदार होना चाहिए। संसद में चर्चा कराकर देश को मोदी सरकार भरोसे मिले। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई और तनाव बढ़ गया है।